डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में सरकार की बड़ी पहल, नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था होगी शुरू, मुख्यमंत्री 11 जनवरी को करेंगे शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा की अध्यक्षता में मंत्रालय में परख वीडियो कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, जिला कलेक्टरों को नल जल योजनाओं के संधारण पर ध्यान देने के लिए दिए गए निर्देश, स्वरोजगार योजना, आर्थिक कल्याण योजना, युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी योजना के लक्ष्य पूरा करने को कहा। कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में दलहन का होगा वितरण, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शिवपुर जिले के कराहल और खंडवा जिले के खालवा विकासखंड से कार्यक्रम होगा शुरू, हर व्यक्ति को 1 किलो दाल 10 रुपए में देने का निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलारस में 144 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित, शहरिया आदिवासी परिवारों से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा सशक्तिकरण मिशन कार्यक्रम की समीक्षा कर युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश, कहा हर साल 7.5 लाख युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 29 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शनों का हुआ वितरण, प्रदेश में 32 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शनों का किया जाना है वितरण। खाद्य आयुक्त विवेक पोरवाल ने सभी जिला कलेक्टरों से पात्र हितग्राहियों के नाम योजना में जोड़ने और गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सांची घी की नई विक्रय दर की घोषित, अब सांची घी का मूल्य प्रति किलो 475 रुपए किया गया निर्धारित, ये दर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में होगी लागू। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए 7 जनवरी को आयोजित होगी परीक्षा, कक्षा 6 से 9 तक में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है परीक्षा, आवेदकों को सैनिक स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे प्रवेश पत्र। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल किया घोषित, 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 5 मार्च से होगी प्रारंभ, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित होंगे पेपर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने दिल्ली के होटल ताज में दिया ग्रैंड रिसेप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विराट, अनुष्का के रिश्तेदार हुए शामिल, प्रधानमंत्री ने नवदंपति को दी बधाई और शुभकामनाएं, दूसरा रिसेप्शन होगा मुंबई में। वर्ष 2017 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मांगे सुझाव, साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम का 31 दिसंबर को होगा प्रसारण, नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेजे जा सकते हैं सुझाव। भारत और श्रीलंका के बीच इंदौर में दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज, होलकर स्टेडियम पर होने वाले हाई वोल्टेज मैच की सभी तैयारियां पूरी, मैच को लेकर दर्शक उत्साहित, T20 मुकाबले के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम। पाकिस्तान से लौटी गीता के परिवार का पता, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोशल मीडिया पर की पहल, पाकिस्तान में गीता की लिखी डायरी को ट्विटर पर किया शेयर, जनता से गीता के माता पिता के बारे में जानकारी जुटाने का किया आग्रह। सीआरपीएफ की 123वीं बटालियन ने बालाघाट में जिला स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का किया आयोजन, 10 विकास खंडों के करीब 400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, कृषि मंत्री ने विजेताओं को किया पुरस्कृत, बालिकाओं के सम्मान में रन फॉर डिग्निटी मशाल दौड़ का हुआ आयोजन। और इंदौर शहर की साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने नगर निगम ने शुरू किया अभियान, अब सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने वालों से वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना, निगम प्रशासन ने स्वास्थ्य निरीक्षकों की टीमें शहर के चौक चौराहों पर की तैनाती।